तू बैठ के सो रहा है यहाँ पे? पढ़ने आया है कि सोने आया है? चल इधर मुंह करके बैठ। अच्छा बच्चों, तो आज मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊँ? आज मैं बहुत खुश हूँ, जो तुम लोग बोलोगे मैं वही पढ़ाऊंगा। सर जी पक्का ना? वही पढ़ाओगे जो हम कहेंगे? हाँ बिल्कुल। सर आप ऐसा कीजिए ना, पीछे वाली लौंडिया से ना मेरा निकाह पढ़वा दीजिए। निकाह पड़ेगा तू? तेरे फेल होने के चांस मेरे को ज्यादा लग रहे हैं। सर हम भी कुछ कहना चाहते हैं। तुम भी बको। सुनिए सर जी, क्लास की हर लड़की फूल है। अबे क्या बोल रहा है रे? सर प्लीज प्लीज सर, पूरा बोलने दीजिए। चल ठीक है बोल। क्लास की हर लड़की फूल है। वाह 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 वाह। यार बोलने दो यार, प्लीज बोलने दो। क्लास की हर लड़की फूल है, इसे चाहना समोखन की भूल है। जो इनकी सोच में गुल है, समझो इसके फेल होने के चांस फुल है। वाह 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 वाह। चुप हो जाओ रे गधों। बेटा बहुत शेरो शायरी हो रही है ना? सर जी क्या करें, भगवान की देन है। पढ़ लो मन लगा के, नहीं तो फेल हो गए ना तो गॉड के पास ही पहुंचा देंगे तेरे को। और कल जो तेरे को लेसन दिया था याद करने को, याद करके आया है? नहीं जी। क्यों? क्योंकि कल मैं जब पढ़ने बैठा ना तो लाइट चली गई। तो फिर लाइट वापस नहीं आई? आई थी लाइट, फिर मैं दोबारा पढ़ने बैठा तो फिर लाइट चली गई। तो फिर नहीं आई? आई थी सर, पर मैं इस डर से पढ़ने नहीं बैठा कि कहीं मेरी वजह से लाइट दोबारा ना चली जाए। अरे गग्गुआ, आज तो क्लास में पहली बार बहुत बातें कर रहा है, क्या बात है? हमेशा तू नजरें झुका के मेरी बातें सुनता था, आज क्या हो गया तुझे? सर जी आज मेरा नेट पैक खत्म हो गया है। चल समोकन तू खड़ा हो जा। और मेरा प्रिय मित्र पर एक निबंध सुना। वैसे तो आज के टाइम में बेस्ट फ्रेंड मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सब लोग पबजी में लगे रहते हैं। फिर भी मेरी मुलाकात गुड्डू से पबजी खेलते हुए पोचंकी में हुई। वहाँ हम दोनों सोलो में खेल रहे थे, बट बाद में हमने अपनी टीम बना ली। उस टीम में उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भी ऐड कर लिया। उसके बाद हम तीनों ने पबजी में बहुत लोगों को मारा। हमारा पबजी का सफर मस्त चल रहा था, फिर एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड ने मेरे दोस्त के ऊपर बम फेंक कर उसे भी मार डाला, और अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसने धोखे से मुझे भी मार डाला। फिर उन दोनों ने चिकन डिनर करने का प्लान बनाया, बट वहाँ उसके बॉयफ्रेंड ने बोला आज मंगलवार है इसलिए मैं चिकन डिनर आज नहीं करूँगा। फिर उन्होंने अगले दिन चिकन डिनर किया, गेम खत्म हो गया और मेरा दोस्त भी खत्म हो गया। अबे तू मुझे मेरा प्रिय मित्र पर निबंध सुना रहा है कि पबजी पे निबंध सुना रहा है? तो सर क्या करें, बेस्ट फ्रेंड पबजी में ही मिला था और पबजी में ही मर गया। चल पप्पू तू खड़ा हो और यही ऐसे तू सुना। सर जी प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं आपको। ठीक है आ रहा हूँ। सभी बच्चे चुप करके बैठे रहेंगे, कोई आवाज नहीं करेगा, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। मोनो मोनो आज जल्दी से ज्वाइन कर, पबजी खेलते हैं यार, मास्टर चला गया है। जल्दी से ज्वाइन कर मुझे, चिकन डिनर करते हैं। अरे नहीं यार, मैं पबजी नहीं खेल सकता हूँ, मेरा मोबाइल हैंग हो जाता है क्योंकि मेरे फोन में स्पेस नहीं है यार। बस इतनी सी बात यार, तू अपने फोन में नॉक्स क्लीनर ऐप इंस्टॉल कर ले प्ले स्टोर से। इससे ना तू अपने फोन का स्पेस बहुत हद तक क्लियर कर सकता है। जो भी फालतू की ट्रेस फाइलें जमा होकर तुम्हारे स्टोरेज कम कर देते हैं ना, इस ऐप के थ्रू अगर तुम स्कैन करते हो तो एटलीस्ट 500 MB तक की स्पेस क्लियर हो जाएंगी। और अगर इस ऐप को तू अपने फोन में रखता है तो तुझे वायरस और मालवेयर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और इसमें डीप एक्सेलरेशन फीचर है, अगर तू चाहता है कि तेरा फोन एकदम फास्ट और स्मूथ चले तो जल्दी से जाकर इस ऐप को इंस्टॉल कर ले। थैंक यू यार, अब मेरे मोबाइल का स्टोरेज क्लियर हो गया है, अभी करता हूँ ज्वाइन, रुक जा अभी करता हूँ। मास्टर आ गया यार मास्टर, छुट्टी के बाद खेलते हैं पबजी। ठीक है यार ठीक है। चल पप्पू खड़ा हो, मेरा प्रिय मित्र पर निबंध सुना। सर जी तनख्वाह लेने गए थे प्रिंसिपल जी के पास, कितना मिला है जी? कुछ पार्टी वार्टी देंगे? चुप करके बैठ जा, नहीं तो दे देंगे तेरे को पार्टी। चल पप्पू तू सुना, खड़ा हो जल्दी से। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम बब्बन है। हम दोनों की दोस्ती खेत में हुई थी। खेत में? खेत में कैसे दोस्ती हुई बे? सर क्या है ना, वो भी करने आया था और मैं भी करने आया था,
क्या करने आए थे रे? हमें बताते हुए शर्म आती है। ऐसा भी क्या करने गए थे? सर टट्टी करने गए थे। क्या 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 बोल रहा है? सर टट्टी करने गए थे, टट्टी। अच्छा अच्छा अच्छा, चल आगे सुना। हाँ तो हमारी दोस्ती खेत में हुई थी। हम दोनों बब्बन और मैं रोज खेत में जाते थे, सुबह शाम दोपहर। अरे तुम लोग कितना खाते हो, दिन भर खेत में ही जाते रहते हो। नहीं सर, वो हम सिर्फ सुबह ही टट्टी करने जाते थे, बाकी टाइम घूमने जाते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, चल आगे सुना। एक दिन हम शाम को फिर खेत में गए। घूमने गए होंगे? नहीं सर, इस बार हम घूमने नहीं, हल्का होने गए थे। वो क्या है ना जी, हम लोग छेदन की बारात में पूड़ियाँ ज्यादा खा लिए थे, इसलिए गए थे। अरे छेदन कौन है? सर आप छेदन को नहीं जानते? नहीं, मैं छेदन को नहीं जानता हूँ। कमाल है सर। सर छेदन वही है जिसके खेत में हम हल्का होने जाते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, आगे सुना। मेरा दोस्त बब्बन हमेशा मेरा देखा देखी करता था, सब कुछ मेरी हाँ में हाँ और मेरी ना में ना मिलाता था। मेरा दोस्त इतना अच्छा था, इतना अच्छा था, इतना अच्छा था, इतना अच्छा था। अरे आगे भी बताएगा, कितना अच्छा था? सर जी वो इतना अच्छा था कि मेरे पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं है। चल आगे सुना। सर जी बच्चे की जान लोगे क्या? मैंने बताया ना कि वो इतना अच्छा था कि मेरे पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं है। अब मैं आगे क्या सुनाऊं? चल ठीक है, बैठ जा, लेकिन आगे से निबंध बड़ा सुनाना, ठीक है? ठीक है सर। चल समोकन तू खड़ा हो, लास्ट क्वेश्चन सुना। बोलो जी। चींटी को हम कैसे मार सकते हैं? पैर से कुचल देंगे, मर जाएगी, और कैसे मार सकते हैं? क्वेश्चन 20 नंबर का है, एक नंबर का नहीं है, 20 नंबर का है। 20 कम से कम 250 शब्द में उत्तर दें, अब क्या करोगे? अब सुना। ठीक है जी, 20 नंबर का है जी, फिर सुनाते हैं, सुनिए। चीनी में मिर्ची पाउडर मिलाकर चूंटी के बिल के पास रख देंगे, और चूंटी जैसे ही उसे खाएगी प्यास लगेगा, और वो पानी पीने के लिए पानी के टंकी के पास जाएगी, तो हम लोग उसे पानी के टंकी में धक्का दे देंगे। उसके बाद वह गीली हो जाएगी और अपने आप को सुखाने के लिए आग के पास जाएगी, तो जैसे ही वो आग के पास पहुंचेगी, आग में हम लोग बम डाल देंगे, फिर उसे लोग ICU में एडमिट करेंगे, फिर हम हॉस्पिटल में जाके उसके मुंह से ऑक्सीजन मास्क निकाल देंगे और वो मर जाएगी। ठीक है जी, 20 नंबर अब तो मिल जाएंगे। बस बस रहने दे,